लोग ब्लड प्रेशर के डर से नमक खाना छोड़ देते हैं और शुगर के डर से मीठा खाना छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान के डर से हराम का खाना क्यों नहीं छोड़ते? बचपन में सुना था गर्मी ऊन में होती है, स्कूल में पता चला गर्मी जून में होती है, घर में पापा ने बताया गर्मी तो खून में होती है, जिंदगी में बहुत धक्के खाए तब जाके पता चला कि गर्मी ना तो खून में होती है, ना ही जून में होती है और ना ही ऊन में होती है, अरे गर्मी तो नोटों के जुनून में होती है। बहुत से ऐसे लड़के हैं जो शादी करने से डरते हैं कि कहीं बीवी बर्तन न धुलवाए, अरे पागलो 10 ही मिनट तो लगते हैं। बाप परेशान है कि कहीं गेहूं की फसल बर्बाद न हो जाए और बेटा स्टेटस लगा रहा है कि मैं बादल बन जाऊं तुम बारिश बन जाना। आदमी शादी से पहले भी शेर होता है और शादी के बाद भी शेर ही रहता है, बस सिर्फ फर्क ये होता है कि शादी के बाद शेर पे दुर्गा बैठ जाती हैं। भगवान ने औरतों को खूबसूरत बनाया, घर के काम का हुनर दिया, उन्हें चंचल भी बनाया, प्यार भरा दिल भी दिया और फिर जुबान देकर किए कराए पे पानी फेर दिया। मुझे एक बात समझ नहीं आती, शराब पीकर लोग मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे नहीं जा सकते पर घर कैसे चले जाते हैं? वहाँ पर भी तो जन्म देने वाली माँ रहती है, प्यार करने वाली बहन रहती है, सम्मान देने वाली पत्नी रहती है और साथ निभाने वाला भाई रहता है, तो घर भी तो एक मंदिर है। इंडिया में 10% ही महिलाएं धूप से जलती हैं, बाकी तो 90% एक दूसरे से जलती हैं। अरे हमारे जमाने में विज्ञान बहुत उन्नत पे था, मास्टर साहब तुरंत एक जीव को दूसरे जीव में बदल देते थे, ए गधे चल मुर्गा बन। अस्पताल में एक महिला को चौथा बच्चा हुआ तो नर्स ने कहा, बधाई हो, भगवान ने आपको बेटा दिया है, वैसे आपने भगवान से मांगा क्या था, बेटा या बेटी? इतने में महिला बोली, अरे कुछ नहीं मांगा था बहन, बस नहाने गई थी, इसके पापा से टॉवल मांगा था। बचपन में हमें डराया जाता था कि मेढक को पत्थर मारोगे तो गूंगी पत्नी मिलेगी, काश पत्थर मार दिया होता तो आज ये नौबत ना आती। सोचा था 2 शादियां करूंगा, एक पीटेगी तो दूसरी बचाएगी, रात को सपना देखा, साली एक ने पकड़ रखा था तो दूसरी पीट रही थी। मैं बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गया हूँ, कल मेरी पड़ोसन मुझसे बोली, अरे तुम चश्मे में अच्छे नहीं दिखते, अब साला मैं उसे कैसे बताऊं कि वो बिना चश्मे के मुझे दिखती ही नहीं। अगर आपकी पत्नी जब भी ये बोले कि मेरा मुंह मत खुलवाओ तो समझ जाना कि आपके खानदान का सुंदर काट का पाठ शुरू होने वाला है। अरे इन जानलेवा गर्मियों में कितना भी गन्ने का रस, नींबू पानी या लस्सी पी लो, पर कलेजे को ठंडक बीबी के मायके जाने पे ही मिलती है। संसार की सभी औरतें अपने बेटे को श्रवण कुमार बनाना चाहती हैं, लेकिन अपने पति को श्रवण कुमार बनते नहीं देख सकती। गर्मी आ रही थी और सर्दी जा रही थी, फिर दोनों में टक्कर हो गई। अब दोनों को याद ही नहीं आ रहा है कि कौन आ रहा था और कौन जा रहा था। मैं मार्केट से लौटा था, घर पे देखा 5-7 मेहमान बैठे हैं, मारे खुशी से मैं उनके पैर छू लिए और फिर बाद में पता चला ये साले भैंस खरीदने आए थे। अच्छा अगर पुरुषों को भी घूंघट करने का रिवाज होता तो महिलाएं सोच सोच के मर जाती कि ये कमीना दिखता कैसा होगा। अरे शादी में औरतें एक दूसरे के कपड़े देख के जलती हैं और मर्द एक दूसरे की बीबी देख के जलते हैं। इंसान की जिंदगी उस समय अंधेरे में चली जाती है जब वो 1 करोड़ रुपए जीतने के चक्कर में
अपने 500 रुपए भी सट्टे में हार जाता है। डॉक्टर साहब, कीड़ा तो ऊपर वाले दांतों में था, पर आपने नीचे वाले दांत को क्यों उखाड़ दिया? अरे वो इसलिए, ये साले कीड़े नीचे वाले दांतों पे खड़े होके ऊपर वाले दांतों को खाते थे। दारू की खुशबू, गांजे की महक, सिगरेट का प्यार, मुबारक हो आपको होली का त्योहार। पियो तो हद कर दो, वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। हैप्पी होली। लड़कियों की डीपी देखने के बाद जब उन्हें सामने से देखो तब पता चलता है कि भ्रष्टाचार सिर्फ नेताओं में नहीं है, हर जगह है। अरे कभी भी रंग देखकर शादी मत करना, क्योंकि भूरी चींटी काली चींटी से भी ज्यादा जोर से काटती है। कभी कभी मन करता है कि कहीं भाग जाऊं, फिर सोचता हूँ साला हरकतें ऐसी हैं कि कहीं कोई ढूंढेगा ही नहीं। मंगलसूत्र खींचने वालों को 3 साल की कैद और मंगलसूत्र पहनाने वालों को जिंदगी भर की। अरे होली को उतना ही लेना प्याली में कि घर वालों को ढूंढना ना पड़े नाली में। होली आ रही है तो रंगों से ना डरें, अरे रंग बदलने वालों से डरें। फेसबुक और इंस्टाग्राम की लत छुड़ाने के लिए मुझे मेरे घर वाले डॉक्टर के पास ले गए। अब डॉक्टर भी मेरी वीडियो पे लाइक कमेंट करता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, औरत अगर सीधी हो तो उसे गाय कहते हैं, पर आदमी अगर सीधा हो तो उसे गधा क्यों कहते हैं? विदेशों में शादी होते ही लोग हनीमून पे जाते हैं, और साला हमारे यहाँ तो 2-3 दिन तक टेंट वाले परेशान करते हैं। ए भैया, 3 कुर्सी, 5 बाल्टी और 7 चम्मच कम है। विदेशों में लोग शादी से पहले दूल्हा दुल्हन को बधाई देते हैं, और हमारे इंडिया में पहले खाना खा लेते हैं, नहीं तो बाद में बहुत भीड़ हो जाएगी। ए भगवान, मेरी उम्र भी मेरे पति को लग जाए। अच्छा, तुम्हारा मतलब है तुम जवान रहो और मैं बूढ़ा हो जाऊं। शादी के बाद पत्नी सबसे पहले पति की शराब छुड़वाती है, फिर सिगरेट छुड़वाती है, उसके बाद सभी दोस्तों को बदलवाती है, और फिर 5 साल बाद कहती है, क्या बात है जी, आप पहले जैसे नहीं रहे। अरे झगड़ा होने के बाद बीबी पास से ऐसे गुजरती है कि जैसे वंदे भारत ट्रेन गुजरी हो। अरे सबको खुश रखने की कोशिश मत करो, क्योंकि आप इंसान हो, कोई अनारकली नहीं। घर में हमें घरवाली से 2 टाइम का खाना मिल जाता है, वही हमारे लिए काफी है, और क्या, इज्जत का अचार थोड़ी डालना है। होली आ रही है, अपना दिल संभाल के रखिएगा, क्योंकि लोग गालों पे रंग लगा के दिल का भी रंग चुरा लेते हैं। होली आ रही है दोस्तों, खूब जमकर होली खेलना। अरे अपनी बीबी से नहीं, पड़ोस वाली भाभी से। तुम्हारी याद में हम चाय बहुत पीते हैं, या तो तुम मिलने आओ या फिर चाय पत्ती भिजवाओ। अरे कुंवारो, ये जो तुम शादी करने को मरे जा रहे हो ना, कान खोल के सुन लो, शादी के बाद जीने को तरस जाओगे। अगर कोई लड़की आपको ब्लॉक कर दे तो समझ जाना उसने आपको ऑनलाइन सैंडल मारा है। आज मैं अपनी पत्नी को डराने के लिए बाजार से नकली छिपकली लेकर आया, और जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा वो जिंदा सांप पकड़कर बाहर फेंकने जा रही थी। मुझे डरा दिया, नागिन कहीं की। लड़कियां मंदिर जाती हैं अच्छा वर मांगने के लिए,
और शादीशुदा औरतें जाती हैं शिकायत करने के लिए कि हे भगवान क्या मांगा था और क्या दे दिया। यार ये बता, ये साली और घरवाली में फर्क क्या होता है? साली और घरवाली में फर्क क्या होता है? अरे जो जूते चुराए वो साली और जो जूते से मारे वो घरवाली। कल मैंने बुखार का बहाना बनाकर छुट्टी ले ली थी, साला सचमुच बुखार हो गया। सोच रहा हूँ अगले हफ्ते सगाई का बहाना कर लूँ और उसके अगले हफ्ते शादी का, कैसा रहेगा आए? यार ये बता, ये प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम किसे कहते हैं? अरे तबीयत एक की खराब हो और चेहरे दोनों के बीमार नजर आए, बस उसे ही प्रेम कहते हैं। बचपन में पांचवी में पढ़ा था कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। साला तब से मेरा ध्यान पढ़ाई में कम और औरतों में ज्यादा रहता है। भगवान हर आदमी को घर घर जाकर धमकी नहीं दे सकते, इसीलिए उन्होंने बीबी बनाई है। अरे जिंदगी तो कुंवारे आदमी की होती है, शादीशुदा आदमी की तो बीबी होती है। यार तू बीड़ी पी रहा है? हाँ क्यों, क्या हुआ? अबे तेरे बीड़ी से धुआं ही नहीं निकल रहा है। अरे कर दी ना पागलों वाली बात, अबे सीएनजी बीड़ी है। अगर लंबी जिंदगी जीना चाहते हो तो पत्नी से प्यार करो, ये मत सोचो कि पत्नी किसकी है। होली आ रही है तो हम लोगों को पानी की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं करना है, सभी को बिना पानी के ही पीना है। हाँ जिस तरह पाप का घड़ा भरते ही मौत आ जाती है, उसी तरह खुशी का घड़ा भरते ही शादी हो जाती है।